नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना झा। हाथरस कांड के दर्द ने पूरे मुल्क का कलेजा चीर कर रख दिया है। एक मां के आंसुओं का सैलाब पूरे मुल्क को डुबोए जा रहा है। सवालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जहां एक तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बयानवीर लीडर अपने बेतुके बयानों से अपनी ही पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं। बाराबंकी के बीजेपी लीडर और नगर पालिका काउंसलर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने हाथरस कांड पर एक शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़की ने लड़के को बाजरे के खेत में बुलाया होगा क्योंकि प्रेम प्रसंग था। ये सब बातें सोशल मीडिया पर हैं और चैनलों पर भी है। ये इस तरह की जितनी लड़कियां मरती हैं ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये लड़कियां गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, ये जंगल में पाई जाती हैं। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में चूंकि प्रेम प्रसंग था, सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। बीजेपी नेता ने कहा ये लड़कियां धान के खेत में ही मरी क्यों मिलती है, ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती, इनके मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट कर नहीं लाई जाती है। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती है, ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। रंजीत बहादुर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने सरकार से अपील तक कर डाली कि ऐसी लड़कियों की फाइल बंद कर दी जाए और उन्हें मुआवजा भी ना देना चाहिए। बीजेपी नेता का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती है, ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती है, इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं, कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं, ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी ट्वीट किया और बोला बीजेपी नेता को आदिम और बीमार मानसिकता का बताया। शर्मा ने कहा है कि वह किसी भी पार्टी का नेता कहलाने के लायक नहीं है और मैं इन्हें नोटिस भेजने जा रही हूं। नेता बाराबंकी में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बताए जा रहे हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज।